दोस्तों किस तरीके से सना मकबूल ने सारा का सारा दोगलापन जो है अरमान मलिक का एक झटके में उतार दिया और कैसे सच्चाई बाहर ला दी कि भाई अरमान वही हैं जिनको लगता है कि जो वो करे वो सही, लेकिन अगर लड़की पलट कर वही चीज़ कर दे तो बहुत ज़्यादा गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है और मैं स्वागत करता हूँ आपका। आपको बता दें कि भाई अरमान मलिक जो हैं इन्होंने दूसरी शादी कर ली, मतलब अपने ही वाइफ के बेस्ट फ्रेंड से, और ये उसको ग्लोरीफाई और जस्टिफाई भी करते हुए दिख रहे हैं हर जगह पे। लेकिन फिलहाल बिग बॉस के ही घर में एक और कंटेस्टेंट है सना मकबूल, जिन्होंने भाई किस तरीके से अरमान का दोगलापन उतारा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो, ये क्लिप आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको अरमान की सच्चाई जो है क्लियरली पता चल जाएगी कि किस तरीके का मेंटालिटी अरमान का सच में है। और सना ने पूरा क्लियरली एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। रोल को उल्टा कर दो, पायल जी अगर किसी आदमी को लाती विल यू बी ओके विद इट? हाँ, वो ला के जा घर में रखेगी। फिर टेल मी विल यू बी ओके विद इट? वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं जवाब तो पायल ने आप ला सकते, पायल ने एक्सेप्ट कर ले, मैं नहीं करता, बात खत्म। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तब नहीं करते, नहीं करता। नहीं, अगर पायल जी कहते शादी नहीं होती तो हाँ? अब शादी करके भी पायल लाती है किसी को मेरे घर में हाँ? तो भैया तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। इनकेस ये आपने सुन लिया दोस्तों, मतलब आप यहीं से समझ लीजिए कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है और कैसे ये अरमान मलिक एक बात कह रहे हैं कि भाई ये तो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं क्लियरली। मतलब ये वही है जिनको लगता है कि ये करे तो ये माचो हरकत है, लेकिन अगर कोई दूसरा कर दे तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। फिलहाल इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, क्योंकि दोगलापन तो धीरे धीरे अरमान मलिक का एक्सपोज हो ही रहा है और सबके सामने इनकी सच्चाई आ ही रही है कि कैसे भाई ये अपने आप को ग्लोरीफाई और जस्टिफाई कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।